बड़ाकड़ आसनसोल तहसील के अंतर्गत एक छोटा सा शहर है। यहाँ पे बहने वाली बड़ाकड़ नदी से इस जगह का नाम हुआ है बड़ाकड़। बड़ाकड़ नाम सुनते ही जिस विषय के बारे में ख्याल आता है वो है कोलियाड़ी। ये जगह कोलकाता से 275 किलोमीटर की दूरी पे झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक महत्वपूर्ण व्यवसायी क्षेत्र है। हेलो फ्रेंड्स, जर्नी एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं राजा। मैं देवाशीष। तो आज हम आए हैं बड़ाकड़। तो बड़ाकड़ से कहाँ जाने वाले हैं? अभी पहले बड़ाकड़ से जाने वाले हैं बेगुनिया। बेगुनिया आप नाम सुने हो? अगर नहीं सुने हो तो हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। बेगुनिया की मंदिरों की प्राचीनता जानने के लिए इस मंदिरों की ऊपर बनाया गया निकासियों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता चलता है इन मंदिरों की निकासी और बनावट 13वीं शताब्दी से लेकर 15 शताब्दी के बीच भारतवर्ष में जो इस्लामिक पीरियड चल रहा था उस समय बनाया गया मंदिरों से काफी मिलती जुलती है। यहाँ पे कुल मिला के 4 मंदिर है जो गणेश, दुर्गा, काली और सिद्धेश्वरा महादेव के नाम पे समर्पित है। हम जर्नी एक्सप्रेस किसी भी प्रकार की विश्वासों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम मंदिरों की भीतरी हिस्से को शूट नहीं किए। सबसे पहले पास पास खड़े रहने वाले जो दो मंदिरें आप देख रहे हो वो है गणेश और दुर्गा मंदिर। एक सूत्र से पता चला है इन 4 मंदिरों में सिद्धेश्वरा महादेव मंदिर सबसे पुरानी मंदिर है जो 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। एक और सूत्र में दुर्गा मंदिर को सबसे पुरानी मंदिर बताया गया है, लेकिन यहाँ पे निर्माण की काम पूरी तरह से संपूर्ण हुआ था 1462 में। सिद्धेश्वरा महादेव मंदिर को उड़ीसा रेखा स्टाइल में बनाया गया था। इस मंदिर में देवी पूजन के साथ साथ शिव जी की भी पूजा होता है। यहाँ पे एक शिवलिंग है जिसका परिधि है 55 इंच। सबसे रोचक तथ्य है काली मंदिर की, क्योंकि यहाँ पे एक स्टोन फिश की पूजा किया जाता है। ये स्टोन फिश एक नारी की समता को दर्शाता है जो यहाँ की वर्षों से चली आ रही एक प्रथा है। हमारा दूसरा पड़ाव होने जा रहा था रामनगर कोलियाड़ी। तो राजा अभी हम कहाँ पे हैं? अभी आप रामनगर कोलियाड़ी में हैं? रामनगर कोलियाड़ी है। दोस्तों ये कोलफील्ड है, कोलफील्ड है। निकालने का काम चल रहा है, ओपन माइन से ये कोयला निकाला जा रहा है यहाँ से। और इसके बारे में और कुछ जानकारी दीजिए। बस ये कोयला निकाल करके यहाँ से बाहर हर जगह जाता है सप्लाई में। अच्छा, माने बिक्री होता है माल। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सरकारी है। सरकारी ईसीएल के बीसीसीएल ईसीएल। देखिए हमारे ठीक पीछे ही है, देखिए ऊपर से ये देखिए। ये एक एडिशनल पॉइंट है आपके लिए। राजूदा के साथ आइएगा तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा देखने को। राजूदा का नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिए और राजूदा से संपर्क कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। देख लिए कोलफील्ड? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, पहली बार देखा। देखिए जो ढेर है ना कोयला का, वही माल्ट वहाँ से ला के यहाँ गिरा रहा। हाँ। यहाँ से सब ट्रक में लोड होता है। अच्छा। सब ट्रक में लोड होकर के माल जाएगा। कोई आंध्र प्रदेश जाता है। हाँ।
हाँ, कोई कलकत्ता जाता है, इसमें कोयला दो तीन किस्म का है। एक है हार्ड स्टीम, एक है आपका फुल स्टीम, अच्छा, और एक है सप्टा। माने सप्टा हो गया एकदम गर्दा धूला, अच्छा, और फुल स्टीम हो गया एकदम आपका एकदम प्योर कोयला, अच्छा, फुल स्टीम। और हार्ड स्टीम हो गया एकदम कोयला का ऐसा रहता है, उसमें सादा सादा दाग रहता है, वो पूरा भारी होता है। अच्छा, और ये है ऑफिस पीछे में, यहाँ लोडिंग माने वजन होगा और उसके बाद स्लिप बनेगा ऑफिस से, तब माल जाएगा, सब माल लोडिंग है ट्रक में। अच्छा, अभी हम कल्याणेश्वरी मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर के बारे में खास जानकारी नहीं है, तो जाने के बाद ही पता चलेगा, तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पिछली बार कहाँ थे? पिछली बार थे कोलफील्ड से निकल के यहाँ पे कल्याणेश्वरी मंदिर। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा राजा, बोल। माइथन डैम जो लोग आते हैं वो लोग कौन कौन सी जगह मिस कर देते हैं, ठीक है, वो जगह हम लोग इस वीडियो में दिखाने वाले एकदम, ठीक है। कल्याणेश्वरी मंदिर में आने के बाद हमें एक विषय के बारे में पता चला है। नॉर्थ पुरुलिया की सफर में हमने जो काशीपुर राजबाड़ी को दिखाए थे, उसी काशीपुर राजबाड़ी और ये कल्याणेश्वरी मंदिर के बीच एक नाम हमें कॉमन मिला, वो है जतिप्रसाद सिंहदेव। इससे पता चलता है ये मंदिर काशीपुर राज परिवार से संपर्क रखता था। कल्याणेश्वरी मंदिर से निकलने के बाद ही बाएं तरफ मुड़ के इस रास्ते से सीधे नीचे की तरफ चले आइए। बहुत सारे दर्शनार्थी इस जगह को अनदेखा कर देते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। कैब ड्राइवर है ना, उन्हें बहुत भाग्य से मिलता है कोई भी, अगर राजू नाथ और उन्होंने इतना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया, कहाँ कोयला खदान कोयला निकाला जाता है, कहाँ डंप किया जाता है, सब कुछ आप इस वीडियो में देख पाओगे, ठीक है। मिलते हैं किसी एक नए और डेस्टिनेशन में, और एक और काम कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे डेस्टिनेशन कौन सा होता है, ठीक है। इस इलाके की एक प्रसिद्ध मंदिर से आप सभी को परिचय करवाने जा रहा हूँ, नाम है भंडारी मंदिर। यहाँ पे मुझसे कहा गया था सिर्फ 200 सीढ़ी चढ़ने होंगे मंदिर तक पहुँचने के लिए। राजा नीचे बैठा था और मैं निकल पड़ा। सिर्फ 200 सीढ़ी सुन के एक ही बार में चढ़ने की ठान ली, और देखिए मेरे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों देखिए, मेरे पीछे भंडारी मंदिर है, कम से कम 200 सीढ़ी तो है, चढ़ के आए हैं यहाँ पे, राजा नीचे बैठा है, राजा नहीं आया। बाद में पता चला कुल मिला के 350 से भी ज़्यादा सीढ़ी यहाँ पे है। असल में मंदिर चढ़ने से कोई मुकड़ ना जाए, इसलिए ऐसा कहा जाता है। वो कहते हैं ना, अच्छा खासा मामा बनाया गया, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। गर्मी का मौसम है इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो आप भी मामा मत बनिए, और पहाड़ चढ़ने के वक्त थोड़ी थोड़ी रेस्ट लेकर चढ़े, बहादुरी एकदम नहीं। कल्याणेश्वरी मंदिर से निकल के हम लोग भंडारी मंदिर गए थे, देवाशीष गया था। बहुत एक्साइटिंग लोकेशन है वो, आप लोगों ने देखा। अभी हम लोग आए हैं माइथन डैम के पीछे वाले हिस्से में। यहाँ पे जनवरी फरवरी के महीने में पिकनिक होता है। अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा वोटिंग करके आइलैंड में जाएंगे, देखते हैं क्या है नहीं है, फिर मिलते हैं आगे आपसे, ठीक है। बने रहिए और देखते रहिए जर्नी एक्सप्रेस।
दोस्तों, अभी आप देख रहे हो हम बोटिंग में व्यस्त है और कहाँ जा रहे हैं? आइलैंड पे। आइलैंड आनंद द्वीप। तो नाम है आनंद द्वीप। तो चलिए देखते हैं आनंद द्वीप कैसा है, हमें आनंद मिलता है कि नहीं। भैया तो बोल रहे हैं आनंद द्वीप में बहुत आनंद है, चलिए देखते हैं। क्यों है इसका नाम? बहुत आनंद है उसमें। क्या आनंद है, क्या आनंद है, देखते हैं, चलिए। दोस्तों अभी हम आनंद विहार ने क्या नाम है आनंद आइलैंड में पहुंचे हैं। चलिए आनंद आइलैंड में आनंद ढूंढते हैं। राजा चल बोल, सब्सक्राइब करने के लिए बोल। वीडियो अगर आप पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे, आपको लगे कि आपने कुछ सही जाना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बोटिंग का मज़ा लिया आपने? नहीं लिया तो ज़रूर आइए यहाँ पे। ये माइथॉन डैम के पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे पिकनिक होता है और वहीं पे बोटिंग का भी व्यवस्था है। बोटिंग करके आप यहाँ पे आ सकते हो। बोटिंग चार्ज आपसे 500 रुपये तक ये चार्ज करेंगे। हम दोनों हैं तो तोल मोल से हम लोगों ने 250 में राजी करवाए। मंथ ऑफ मार्च है, मिड मार्च है, गर्मी भी है। माइथन कैसे आएंगे? इसके लिए आपको बोराकोर आना होगा। सबसे बेस्ट ट्रेन है हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। सुबह 6 या 6:30 के बीच हावड़ा से छोड़ती है और 10-10:30 के बीच बोराकोर उतारती है। बोराकोर उतरिए, एक गाड़ी से रफ़ा कीजिए। हम लोगों ने जैसे रफ़ा किया उनसे हम मिलाएंगे आपको। तो जब भी आप माइथन घूमने आओ उसके साथ कुछ एक अलग जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि शायद हम अपने जीवन में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिस कर जाते हैं जो बाद में अगर आपको पता चलता है तो आप रिपेंट करते हो कि काश मैं गया था और वहाँ पे ये मैं मिस कर गया। तो वैसा ना हो तो आप हमारे वीडियो से आइडिया ले सकते हो। और क्या कहूँ, एंजॉय कीजिए।
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। अभी हम माइथन डैम के ऊपर खड़े हैं। धनबाद से 48 किलोमीटर की दूरी पे बड़ाकड़ नदी के ऊपर इस डैम को बनाया गया। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलते हुए कलकत्ता और इसके आसपास के इलाके में एक बाढ़ आया था, जिसकी वजह से 2 महीने से भी ज़्यादा समय तक पूरी इलाका पानी से भरा हुआ था। उस समय सरकार की तरफ से टेनेसी वैली अथॉरिटी की एक सिविल इंजीनियर को बुलाया गया, जिनका नाम था मिस्टर W.L. वुड। इन्होंने 1945 में माइथन डैम की डिज़ाइन बनाया और 1957 में इस डैम की उद्घाटन किया गया। माइथन डैम लगभग 60,000 किलोवाट की करंट उत्पादन करने में सक्षम है। ये डैम 15,712 फीट लंबा है और 165 फीट ऊंचाई है। इस डैम की चौड़ाई है 35 फीट। वर्तमान में ये डैम दामोदर वैली कॉरपोरेशन की अंतर्गत है। अच्छा दोस्तों, हम लोग जिस जगह खड़े हैं और वीडियो में आप जो अभी पोर्शन देख रहे हो, यह है होटल यात्री निवास। ये बगल में माँ तारा लॉज है। देखिए सामने, बस थोड़ा आगे दिखाओ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को दोस्तों? ले जा रहे हैं ना, वहाँ पर यही बोलिएगा, सामने जाओ। শান্তি নিবাস ফ্রেন্ডস কুছ দের পহলে হম লোক माइथन डैम के पीछे वाले हिस्से में थे, आप लोगों ने देखा। अभी हम लोग खड़े हैं माइथन डैम में, ये बंगाल के हिस्से में आता है। तो देवाशीष बोलो, कैसा लग रहा है? मैं तो लोकेशन देखते ही रहता हूँ, है ना? मुझे हर लोकेशन ही अच्छा लगता है, अगर कोई भीड़ भाड़ नहीं होता है। हाँ, तो मुझे शांत माहौल ज़्यादा पसंद है। काम करने में सिर्फ नहीं, अगर शांत रहता है माहौल मुझे अच्छा लगता है। बहुत भीड़ भाड़ मुझे खास नहीं लगता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है बहुत भीड़ भाड़। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आए हैं मजूमदार निवास के सामने। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हो, जैसे मैंने कहा था आपसे कुछ देर पहले, मजूमदार निवास जा रहे हैं। ये मजूमदार निवास का साइन बोर्ड पीछे है। चलिए फिर
शानदार निवास का इलाका कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया ना। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि माइथन या इसके आसपास जो इलाके हैं घूमने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ सकता है। हमने राजू जी का गाड़ी किया है, उनसे आप मिलोगे कुछ देर बाद। तो उन्होंने कुछ कॉमन और अनकॉमन लोकेशन हमें घुमा रहे हैं। इसके लिए टोटल चार्ज 800 रुपीस लगा। एक और बात कह दूं, आप लोग जो आसनसोल से आओगे, यानी अगर कोई बोराकर या कुमारडू भी नहीं उतरते हो, क्योंकि कुमारडू भी नियरेस्ट लोकेशन है माइथन आने के लिए, तो बोराकर ही सभी उतरते हैं। अगर नहीं उतरते हो, अगर आप आसनसोल से आते हो, तो इसके लिए आप ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आसनसोल से आने की बजाय आप बोराकर चले आइए, बोराकर से गाड़ी कीजिए, हम उनका नंबर दे देंगे। अगर आप सीज़न में आते हो तो फेयर ज़्यादा लगेगा, ये क्योंकि मारुति ओमनी है। बड़ा गाड़ी करना चाहते हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, वो उनका प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ड्राइवर साहब, आपका नाम थोड़ा बोलिए तो। राजू नाग। इन्होंने हमें आज माइथन और उसके आसपास के जितने भी स्थान हैं सब कुछ टूर कराया है, वही हमें यहाँ पे लंच करवाने के लिए लेके आए हैं। जो कुछ भी है आप वीडियो में जान ही पाओगे, तो फिर मिलते हैं आगे, चलिए। क्या बात है, थके हुए? सॉरी हेलो अच्छा किया क्या बोलने की सोच रहा था क्या हुआ बोल दे। तो